नमस्कार, मैं ब्रजेश और आप देख रहे हैं हमारी बहुत ही खास पेशकश ITR हेल्पलाइन। जी हां, भारत की कुल जनसंख्या के 5% लोग भी इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल नहीं करते। जो लोग ITR भरते हैं उनमें से ज्यादातर लोग नौकरी करने वाले होते हैं। देश के विकास के लिए सरकार के पास पैसे का एक बड़ा सोर्स इनकम टैक्स है। अगर देश के लोग ही अपनी आय को सरकार से छुपाएंगे तो देश का विकास कैसे होगा। खैर, 2016-17 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख अब बहुत ही पास है। ITR को लेकर आप में से बहुत से लोगों के मन में तमाम कंफ्यूजन रहता है, तमाम सवाल रहते हैं। उन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आपके मन में जो सवाल हैं उनका जवाब ढूंढने के लिए ही हम खास तौर पर यह कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आपके मन में भी ITR को लेकर, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर किसी तरह का सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, उलझन है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आप हमारे इस टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास एक्सपर्ट मौजूद हैं जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। चलिए आपका परिचय कराते हैं अपने दोनों एक्सपर्ट से। संजीव मल्होत्रा जी हैं और किशन मल्होत्रा जी हैं, दोनों ही टैक्स एक्सपर्ट हैं। दोनों आपको तमाम कन्फ्यूजन से बाहर निकालने में मदद करेंगे। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। और शुरुआत इससे पहले कि कोई कॉल आए, मैं खुद भी जानना चाहता हूं कि बहुत कंफ्यूजन रहता है एक आम इंसान के मन में। तो इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर वाकई बहुत सारे सवाल रहते हैं। इनकम टैक्स भरना जितना जरूरी है, क्या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी उतना ही जरूरी है? सुरेंद्र जी, संजीव जी। हाँ जी, इनकम टैक्स के अंदर यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम है, 2.5 लाख की लिमिट है, और अगर 2.5 लाख से आपकी ज्यादा इनकम है तो उस सिचुएशन में आपको रिटर्न बिल्कुल फाइल करना चाहिए। और ख़ासकर जो लोग व्यवसाय में हैं, बिजनेस में हैं, अगर आपकी लॉस रिटर्न है, अगर आप टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपका जो लॉस जो अगले सालों में कैरिड फॉरवर्ड होता है, और जिसमें अगर अगले साल आपके प्रॉफिट हैं उसके अगेंस्ट आप सेट ऑफ भी कर सकते हैं, अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो वो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी भी निकल जाएगी। तो इसलिए रिटर्न तो ज़रूर फाइल करना चाहिए। और जैसे आप जानते हैं 31 जुलाई इज़ द रिटर्न की जो डेट है। जो भी तमाम इंडिविजुअल्स हैं, सैलरीड क्लास हैं, जिनका बिजनेस है और जिसके बिजनेस में ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके लिए 31 जुलाई इज द डेट ऑफ फाइलिंग। चलिए, तो 31 जुलाई आखिरी तारीख है। संजीव मल्होत्रा जी भी हमारे साथ हैं। सर पहला कॉलर लेते हैं, हमारे साथ सुरेंद्र जी जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ सर, मैं शैलेंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूँ, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से। मेरा सवाल है सर कि आधार में हमारा नाम सही है, पैन कार्ड में हमारा नाम थोड़ा सा मिसमैच हो गया था क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते थे। अब जब लिंक करने की बात हुई है तो हमारा लिंक नहीं हो रहा है आधार से पैन कार्ड, तो अब हम ITR कैसे भरें? संजीव जी, मैं बता दूं। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि दोनों का लिंक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो आपकी रिटर्न फाइल नहीं हो सकती है। और अगर नाम में फ़र्क आ रहा है, उस सिचुएशन में एक UIDAI की एक साइट है, उस साइट में आप जाएंगे और वहाँ पे जो है आपको एक ऑप्शन आएगी आधार अपडेशन की, और उसमें फिर जनरली जो भी इंफॉर्मेशन आपको पैन की डिटेल देनी पड़ेगी, स्कैन करके उसकी कॉपी लगानी पड़ेगी, और एक हफ्ते के अंदर जब आप उस साइट में जाके आप अपडेशन करेंगे तो अगर हो सकता है कि अगर आप उसमें जो भी इंफॉर्मेशन डालें उनकी कुछ और रिक्वायरमेंट हो, कि आप कुछ पेपर फिजिकली फाइल करने को कहें, जो भी रिक्वायरमेंट अगर होगी तो वो बताएंगे, नहीं तो इसमें UIDAI के साथ लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद अपडेशन में जाके, आधार के अपडेशन में जाके आप इसको डालेंगे तो एक हफ्ते के अंदर यूजली वो अपडेट कर देते हैं, और जो भी नाम की अगर तबलीत करने की जरूरत है दैट वुड बी डन ऑटोमेटिकली, बट इट यूजली टेक 1 वीक। जी कृष्ण जी, एक चीज और भी है कि फॉर्म भरते समय ये कहा जाता है कि आप स्पेलिंग्स का खास तौर पर बहुत ज्यादा ध्यान रखें, जो भी आप एंट्रीज कर रहे हैं उसका बेहद ख्याल रखें, नहीं तो आपका ITR रिजेक्ट भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि जो नाम है, खासकर जो आप नाम डालते हैं, जो आप परमानेंट अकाउंट नंबर डालते हैं, अगर आपने उसमें कुछ गलती कर दी है, आपने नाम में कुछ गलती कर दी है, और अगर जो ऑलरेडी आपके साथ, क्योंकि आपका अगर परमानेंट अकाउंट नंबर में जो नाम है वही नाम आपका रिटर्न में जाना चाहिए, उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के कुछ डिफरेंसेस आएंगे तो सर्टनली आप देखेंगे कि वो रिटर्न जब आप प्रोसेस करते हैं अपनी फाइलिंग की, वो फाइल नहीं होती है। तो ये सब गलतियों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक,
सुभाष कुमार जी हमारे साथ हरियाणा से जुड़ रहे हैं। सुभाष जी अपना सवाल कीजिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं रिटर्न फाइल नहीं करता हूँ, मेरे बैंक में 5 लाख एफडीज पड़े हुए हैं, वे सेंटेंस जो आता था टीडीएस फाइल करने बोला, वो फाइल कैसे करना और क्या करना है बता सकते? मेरे पास इतना इनकम है नहीं कि मैं टीडीएस फाइल करूँ, ये कंफ्यूजन सर हमेशा ये देखने को मिला है कि लोगों को ये पता नहीं होता है कि वाकई उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। जैसे कि सुभाष जी कह रहे हैं कि 4-5 लाख रुपए उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं, अब वो भरें या नहीं भरें? देखिए जो 4-5 लाख रुपए रखे हुए हैं वो आपके एसेट्स हैं, वो आपकी कमाई है। इनकम टैक्स जो आप साल भर में 12 महीने में एक अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो आप कमाते हैं, अगर वो आपकी कमाई 2.5 लाख से ऊपर है तब उस केस में आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर आपके बैंक में 5-6 लाख रुपए पड़े हुए हैं, उस 5-6 लाख पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं हो सकता। और वैसे भी इंटरेस्ट के अंदर अगर आप देखें तो एक ATTTA सेविंग बैंक में अगर आपका पैसा पड़ा हो तो ATTA के अंदर 10,000 तक का सेविंग बैंक के ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो आपका एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपकी इसके अलावा और कोई इनकम नहीं है और ओवरऑल अगर है भी तो वो 2.5 लाख से कम है और ये इंटरेस्ट भी 2.5 लाख से ऊपर नहीं है, तो उस सिचुएशन में अगर आप ओवरऑल इनकम जो लिमिट है मिनिमम उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है तो आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जी चलिए एक और कॉलर हमारे साथ हैं, अतुल शर्मा। अतुल जी आप क्या जानना चाहते हैं? सर मैं हिमाचल से बोल रहा हूँ। जी सर मुझे मेरे दो क्वेश्चन हैं। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि मेरे जो अंकल हैं वो 100% हैंडीकैप्ड हैं और उनको दादाजी की पेंशन यानी कि मेरे ग्रैंडफादर की पेंशन जो है वो उनको मिलती है, आर्मी से रिटायर्ड थे वो, तो उनकी पेंशन उनको मेरे चाचा जी को लगी है ड्यू टू वो 100% हैंडीकैप्ड हैं, तो लगभग वो 3 लाख के आसपास बनती है। तो मुझे एक तो ये पता करना था कि क्या उन्हें ITR भरना जरूरी है कि नहीं है, क्योंकि DPDO से उनको पेंशन मिलती है तो वो टैक्स काट के देते हैं पहले ही वहां से। और सर दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे मेरे मदर हैं वो हाउस होल्ड हैं, घर पे रहते हैं, तो उनके नाम पे कुछ पैसे हैं जो जमा हुए हैं FDs के लिए, तो क्या उनकी भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है कि नहीं है? कृष्ण जी। हाँ जी, देखिए सबसे पहले जो आपने कहा कि अगर एक आदमी एक इंडिविजुअल की डेथ हो चुकी है उसके बाद जो भी उसका लीगल हेयर है जो इंटाइटल्ड है अगर उसके हाथ में पेंशन आती है तो सर्टली अगर वो पेंशन टैक्सेबल 2.5 लाख से ऊपर की लिमिट में जाएगी तो वो बिल्कुल उस पर उनको रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी जो उसके बाद जो लीगल हेयर है जो उसको इंटाइटल कर रहे हैं रिसीव करने के लिए। और अगर आप जैसे कह रहे हैं कि जो 3 लाख रुपए मिलते हैं और उसमें टैक्स कट के आता है तो क्योंकि 2.5 से ऊपर है अच्छा है कि आपका टैक्स कटता है, आपकी लायबिलिटी हो सकता है नहीं हो, और अगर कुछ और इन्वेस्टमेंट जैसे ATC वगैरह में कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं अगर वो डिडक्शंस उस तरह के जो 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 इनकम टैक्स के अंदर आपको राहत मिली हुई है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, अगर ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी की हुई हैं ओवरऑल इनकम बिलो टैक्सेबल हो जाती है टैक्स कटा हुआ है तो आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए, आपका रिफंड बन सकता है। लेकिन अगर आपका टैक्स उतना ही कटा हुआ है जो आपका ओवरऑल बनता है तो उस केस में अच्छा है कि आप रिटर्न फाइल कीजिएगा, लेकिन आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर ज़रूर होना चाहिए पहली चीज़। दूसरा आप कह रहे हैं कि मदर के कुछ बैंक में रखा हुआ है, अगर मदर की कोई इनकम नहीं है और अगर उनके कुछ फाइनेंशियल एसेट्स हैं उन फाइनेंशियल एसेट्स से जितनी इनकम होती है वो आप देखिएगा कितनी इनकम है, अगर वो लोअर लिमिट 2.5 लाख से कम की है तो उस केस में उनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बट उनका परमानेंट अकाउंट नंबर ज़रूर होना चाहिए। जब भी उनकी इनकम एक्सीड होगी जब तक आपके पास परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं होगा आपकी रिटर्न फाइल नहीं हो सकती है। जी यहाँ पर सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, FDs पे जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो तो टैक्सेबल होता है तो वो तो आपको शो करना चाहिए। बिल्कुल शो करना चाहिए, पहले सेक्शन ATL होता था, FDIs पे जो इंटरेस्ट होता था उस पर रिलीफ मिलता था, अब सिर्फ सेविंग बैंक पे जैसे मैंने कहा कि 10,000 का रिलीफ है लेकिन FDIs पे अब कोई नहीं है। FDIs जो भी इनकम आपकी उसमें FDIs पे होती है दैट इज फुली टैक्सेबल। जी चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बैंगलोर से आशीष हैं। आशीष बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा सवाल ये है कि कंपनी मेरे को RSU प्रोवाइड करती है, कंपनी US बेस्ड है और ये RSU प्रोवाइड करती है और फॉर्म 16 में ये इसकी वैल्यू उन्होंने अमाउंट सर्टिफिकेट US 17-2 के अंदर एज पर फॉर्म नंबर DA के अंदर डाल रखी है,
तो ये मेरे को कौन सा फॉर्म भरना है, क्या फॉर्म कौन सा भरना है और किस शेड्यूल के अंदर ये परचेज की डिटेल डालनी है जी? कुछ इनकी आवाज़ क्लियर नहीं है कि आपने क्या कहा, मुझे पूरा समझ नहीं आया, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपकी सैलरी इनकम है और अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है और आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो उस केस में एक सहज जो इन्होंने जो फॉर्म वन जो नया फॉर्म निकाला है उस फॉर्म के अंदर आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सहज का फॉर्म है, एक पेज का फॉर्म है, उसके अंदर आपको सेविंग बैंक अकाउंट्स करंट अकाउंट्स की डिटेल देनी पड़ेगी और इस साल पहले था, और अगर आपके 50 लाख से इनकम कम है और सिर्फ सैलरी पेंशन एक घर आपका है उसके ऊपर कोई रेंटल इनकम है तो उस सिचुएशन और बिजनेस इनकम नहीं है तो मेरे ख्याल से आपको रिटर्न जो है वो फॉर्म वन जो सहज फॉर्म है उसमें आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जी। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ संजीव हैं हिमाचल से। संजीव आप क्या जानना चाहते हैं? संजीव आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। चलिए आप दोबारा ट्राई करिए। आपको ये बता देते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत आसान हो गया है और लगातार सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश हो रही है इसके आसान से आसान बनाया जाए। आप ऑनलाइन भी इसे भर सकते हैं। अगर आपको इसे लेकर भी कंफ्यूजन है तो चलिए हमारे सहयोगी ताबिश हुसैन से जानते हैं कि आप ऑनलाइन कैसे ITR फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो आप उसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं और आपकी ई रिटर्न से जुड़े हुए तमाम कंफ्यूजन को हम जल्दी से दूर करने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। आपको जल्दी से एक तरीका बता देते हैं जिससे आप अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको ऑनलाइन भर सकते हैं। एक वेबसाइट है IncomeTaxIndiaEfiling.gov.in, इस वेबसाइट पर आप लॉग इन कीजिए और सबसे पहले आपको यहाँ पर तारीख दिखेगी कि 31 जुलाई 2017 आखिरी तारीख है, 10 दिन इसके अंदर रह गए हैं आपके इनकम टैक्स रिटर्न भरने के। ये लेफ्ट साइड में आपको कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे जहाँ पर आप सबमिट रिटर्न फॉर्म्स पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालने के लिए पूछेगा। अगर आप ऑलरेडी आपने लॉगिन कर रखा है इसके अंदर तो आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड अपना होगा। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है, आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप रजिस्टर नाउ करके एक नई यूज़र आईडी बना सकते हैं, उसके बाद आप लॉगिन करके आगे का प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉगिन आईडी है आप यहाँ पर लॉगिन आईडी डालिए, उसके नीचे आपको अपना पासवर्ड डालना होगा, नीचे डेट ऑफ बर्थ ये पूछता है वेरिफिकेशन के लिए, फिर आपको यहाँ पर कैप्शन कोड डालने के लिए बोलता है। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने एक पेज यहाँ पर खुलेगा जिसमें आपको ऊपर कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, डैशबोर्ड। आप अपना अकाउंट यहाँ पर चेक कर सकते हैं अगर आपने पिछला को डिटेल अपना देखना चाहते हैं। लेकिन आपको रिटर्न भरने के लिए क्या करना है, ई फाइल का जो ऑप्शन यहाँ पर ऊपर आपको दिखेगा इसमें प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डिटेल खुलेगी। आपका पैन जो कि आप जब अकाउंट बनाते हैं उस वक्त आपको ये डिटेल भरनी होती है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर, कौन से ईयर का आपको रिटर्न फाइल करना है, जैसे कि 2017-18 का मान लीजिए आप रिटर्न भरना चाहते हैं। ITR फॉर्म नेम कौन सा आप भरना चाहते हैं, ITR 1 अगर आप सैलरीड हैं नौकरी पेशा हैं तो आपको ITR 1 सेलेक्ट करना है। ITR 4 बिजनेसमैन के लिए भरने के लिए फॉर्म होता है, लेकिन आप नौकरी पेशा है तो ITR 1 को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ सबमिट करेंगे तो ये जो अगला पेज आपके पास खुलेगा उसमें सबसे पहले आपको नज़र आएगा इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आप यहाँ पर नज़र डालिए जो कि फॉर्म भरते टाइम अक्सर लोगों को दिक्कत आती है। यहाँ पर एक टाइम चलता है जिसके बाद ये पेज जो है वो एक्सपायर हो जाता है, ये 15 मिनट का टाइम पीरियड होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सेव ड्राफ्ट आप करते रहिए जैसे जैसे आप अपनी डिटेल भरते हैं। अब पहली डिटेल पर आप आ जाइए, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भरनी होगी। अगर आपने अपनी रिटर्न पहले भर रखी है तो आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आप होगी। आपको करना सिर्फ इतना है कि एक बार उसको वेरीफाई कर लीजिए कि वो डिटेल सारी ठीक है या नहीं। अगर आप पहली बार रिटर्न भर रहे हैं तो आपको यहाँ डिटेल अपनी फाइल करनी होगी, मसलन आपका नाम, एड्रेस, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस, इस तरह की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होगी। इसके बाद आपको रिव्यू एंड सबमिट करके अपना जो
इनकम टैक्स रिटर्न है उसको सबमिट कर देना है। अगर आप का पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है तो आपको ई वेरिफिकेशन के जरिए आप उसको ऑनलाइन वेरीफाई करा सकते हैं। और अगर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक्ड नहीं है तो आपको जो आप प्रोसीजर पहले फॉलो करते थे, एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको मिलेगी, उस एक्नॉलेजमेंट स्लिप को आपको बेंगलोर डाक के जरिए भेजना होगा। ताबिश बता रहे थे कि कैसे आप ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं, बहुत ही आसान है जैसे कि अभी आपने देखा। मेरे साथ एक और कॉलर विष्णु चंद्रा जी जुड़ रहे हैं पुणे से। विष्णु जी बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 2011 में रिटायर हुआ था, रिटायरमेंट के बाद मेरी पेंशन लगभग 10,000 थी, आज करीब 6 साल हो गए हैं, अब मेरी पेंशन करीब 24,000 हो गई है, तो मुझे क्या अब आईटीआर भरना है या नहीं भरना है? जी कृष्ण जी। हाँ जी, अगर आपकी पेंशन 24,000 पर मंथ हो गई है तो 24,000 इंटू 12 तो वो जो फिगर है वो आपकी एक सीट करती है जो मिनिमम लिमिट है। लेकिन अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं NSEIS में, प्रोविडेंट फंड में, कोई PPF है और जो ATC के अंदर जो स्कीम्स हैं, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं 1.5 लाख तक का, और आपकी अगर पेंशन NPS है तो उसमें 50,000 की और एडिशनल डिडक्शन है। तो अगर जैसे 24,000 अगर आप मानते हैं तो आपकी 3 लाख के आसपास इनकम हो गई, तो उस केस में आपके पास 40, अगर आप जो 2,50,000 से ऊपर जितनी इनकम हुई है उतना पैसा अगर आप ATC के अंदर कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इनकम बिलो टैक्सेबल होगी, तो उस केस में आपको कोई रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो सर्टनली आप इस साल में 10% के स्लैब में आते हैं, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख तक की अगर इनकम हो तो उस केस में आपको जो 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 आपका रेट है वो 10% है। अगले साल सर्टनली 5% है, लेकिन वो है कि 10% है पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब उन्होंने आपको पे किया अगर वो कुछ टैक्स काट रहे हैं और आपकी टैक्सेबल इनकम इतनी नहीं बैठती है, आपकी इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपकी टोटल जो टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो हो जाती है, तो अगर उन्होंने कुछ टैक्स काटा हुआ है तो आप सर्टनली रिटर्न फाइल करके अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जी चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ अरुणाचल प्रदेश से कौशल किशोर जी हैं। कौशल जी क्या जानना चाहते हैं आप? जी हाँ नमस्कार सर, मैं ये जानना असेसमेंट ईयर 2015-16 का आईटीआर में भर सकता हूँ क्या? जी और भर सकता हूँ तो कैसे भर सकता हूँ? और मेरा सर एक और क्वेश्चन है कि बैंक का जो ये मेरा अकाउंट है या FDs हैं उनके द्वारा जो इंटरेस्ट मिला है मुझे तो उसे भी आईटीआर में शो करना है क्या? जी चलिए, इसका जवाब तो अभी अभी दिया था कृष्ण जी ने कि वो शो करना रहता, लेकिन मैं उनसे पूछ लेता हूँ। कृष्ण जी, इनके दो सवाल हैं और दूसरा सवाल तो वही है कि FD में जो इंटरेस्ट है उसको क्या शो करना पड़ेगा? हाँ जी, उस FD के इंटरेस्ट को आपको शो करना पड़ेगा, लेकिन जो आपकी अगर 15-16 की असेसमेंट है उसकी रिटर्न में पहले 2 साल के अंदर विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर था, तो अगर 15-16 की रिटर्न है तो वो आपके पास असेसमेंट ईयर अगर 15-16 है तो आपके पास विंडो है अभी उसको रिटर्न फाइल करने का। लेकिन जो अगर इस साल की रिटर्न है उसमें अब उन्होंने बड़ा क्लियर कर दिया है कि जो 16-17 फाइनेंशियल ईयर आपका असेसमेंट ईयर 17-18 है उस केस में आपको रिटर्न 31 मार्च 2018 से पहले फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन जो पुरानी रिटर्न है तब आपके 2 साल थे और अभी आपके पास विंडो है उसको फाइल करने का। जी तो अगर पिछले साल का आईटीआर आपको फाइल करना तो उसका भी प्रोसेस यही रहता है? हाँ जी, उसका उन्होंने टाइम लिमिट दे रखी है। पहले कहते थे कि अगर आप लेट भी फाइल करते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर आपको टाइम देते थे, इस बार उन्होंने टाइम कम कर दिया है और ये कहा है कि अगर आपको जुलाई में फाइल करनी है हम आपको मार्च तक का टाइम 9 महीने का टाइम देंगे बजाय इसके कि 1 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो अब टाइम शॉर्ट कर दिया है इस केस में। ठीक है, विश्वास पाठक जी हैं ग्वालियर से। विश्वास जी अपना सवाल करिए। विश्वास आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, विश्वास से संपर्क नहीं हो पा रहा लगता है। सर इस बार कृष्ण जी, एक जो नोटबंदी के दौरान 2 लाख से ज्यादा के अगर आपने डिपॉजिट किया है तो उसका भी आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, वो भी आपको इसमें दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, हर इंडिविजुअल के लिए आया है कि फॉर्म के अंदर एक सेपरेट कॉलम आया है कि अगर आपने 9 नवंबर
2016 से लेकर 30 दिसंबर तक अगर 50 दिन के अंदर आपने अपने बैंक अकाउंट में जब गवर्नमेंट ने परमिशन दी थी कि आप जो भी ओल्ड करेंसी है डिमोनेटाइज्ड मनी है यू कैन डिपॉजिट इट, अगर आपका 2 लाख या उससे ज़्यादा एक्सीड होता है तो उस केस में एक सेपरेट कॉलम आपके रिटर्न में आया है, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। अब मेंशन करने के बाद कितना अमाउंट है, क्या आपकी टोटल सैलरी है, अगर उसमें कुछ शायद हो सकता है डिपार्टमेंट एग्जामिन करे, अगर बड़ा अमाउंट होगा और आपकी सैलरी नहीं है उनको लगेगा तो उसमें जानकारी हो सकती है, लेकिन सर्टली रिटर्न के अंदर ये चीज़ डाल दी है कि आपको अलग से मेंशन करना पड़ेगा। जी ये ऐसा अभी जैसे कि हम लोग अभी देख भी रहे थे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, एक मोबाइल ऐप भी अभी लॉन्च हुआ है, आप मोबाइल से भी चाहे तो कर सकते हैं, उसकी वही मान्यता होगी? अभी मुझे उसका आई डोंट थिंक सो कि अभी हम सर्टली लॉन्च किया है, बट मैं इसमें कहूँ कि इसमें फाइल कर सकते हैं, मैंने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ जरूर बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की इनकम 5 लाख से कम है या जो ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है, जो काफ़ी सीनियर लोग हैं, 80 की लिमिट डाली है, 80 से अबव और अप टू 5 लाख, ये 2 ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि ई फाइलिंग ना भी चाहें तो ना करें, उसमें वो मैनुअली भी फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इस कंडीशन में आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू विल हैव टू गो एंड गो फॉर ई फाइलिंग। ठीक, एम के भट्ट जी हैं मैं सर जम्मू कश्मीर से, बहुत स्वागत है सर आपका, क्या पूछना चाहते हैं? गुड इवनिंग सर, आई वांट टू स्पीक ऑन ए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ब्री मी और नॉट, एंड टू बी ऑनेस्ट आई वांट टू स्पीक, आई लिव ए हर्मिट्स लाइफ एंड माई सेल्फ आई एम कमिंग अंडर द लोअर मिडिल क्लास फैमिली एंड इंक्लूडिंग माई सेल्फ इज द पुअर पीपल हैविंग ओनली 1 मंथली इनकम ऑफ 10,000 to 12,000 एंड कीपिंग ए लाइफ गोइंग ऑन दैट, बट आई वांट टू स्पीक इन इंडिया our friends, honorable friends, and congratulate him. He's doing good work. He's doing one fight. He's doing good sir, work. Sir, Mr. Bhatt, वो कुछ दूसरे ही सवाल उठाने लगे, शायद पता नहीं कि इनकम टैक्स रिटर्न पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और आपके मन में अगर कोई उलझन है, कोई सवाल है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग को लेकर तो आप इस पर सवाल कर सकते हैं। अब कृष्ण जी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के एहतियात बरतने की, किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी आम लोगों के दिमाग में बहुत सारे संशय रहते हैं, तो क्या चीजें हैं जिनको दिमाग में आपको रखना चाहिए और सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जब रिटर्न फाइल करनी है, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो रिटर्न को ये कोशिश करनी चाहिए कि रिटर्न आपकी जो टाइम दिया है उस पर जानी चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं कि अगर 31 तारीख है तो 30 को या 31 को ही एकदम शुरू करते हैं जी। तो उस केस में जब लोड इतना ज़्यादा होता है तो कई बार रात रात तक लगे रहते हैं, वो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होती और वो लेट हो जाती है, अगर क्योंकि 12 बजे तक रिटर्न नहीं जाएगी और आपने अगर फाइल भी कर दी बाय द टाइम आपको कन्फर्मेशन आएगी वो 12:01 हो गया तो आपकी रिटर्न लेट मानी जाती है। तो एक तो लोड हटाने के लिए कि भी सब चीज़ करनी है लास्ट डेट में, वो आई थिंक ठीक नहीं है। टाइमली जितनी जल्दी हो सके आपने रिटर्न कीजिएगा। प्लस एक चीज़ और कहेंगे कि जो TDS का होता है कि 26AS फॉर्म होता है, अगर आप पैन में डालेंगे तो आपके सिस्टम में आएगा जिन जिन लोगों ने जिस पे आपका आपकी इनकम पे जो उन्होंने पे किया या उन्होंने अपनी किताबों में अक्रू किया उस पे उन्होंने इनकम टैक्स काटा। तो कई ऐसी इनकम होती है जो आपने रिसीव नहीं की लेकिन अक्रूअल बेसिस पे लोगों ने TDS काट लिया, उस इनकम को भी वो सर्टनली कंसिडर करें। अगर आप अपनी इनकम को एक्रूअल में लेते हैं, नहीं लेते तो आप लें जिससे कि आप TDS का जो TDS उन्होंने काटा है और आपके 26AS में आया हुआ है उसको आप रिकनसाइल करके अपनी इनकम में पूरा डालें, नहीं तो अदरवाइज वो फिर अगर TDS 1 साल काटा है, इनकम आप अगले ले रहे हैं तो कई बार रिकनसिलेशन में दिक्कत होती है और वो अपना जरूरी कन्फर्म करें कि कौन कौन से लोगों ने आपको पे किया है, कौन से लोगों ने आपका TDS काट लिया लेकिन आपका पे नहीं किया, आप सेपरेटली उनसे क्लेम ले सकते हैं। क्योंकि जनरली जैसे बिल्डर्स होते हैं, ये लोग इंटरेस्ट क्रेडिट करते हैं और कई बार पेमेंट नहीं आती है जी। और वो TDS काट लेते हैं इंटरेस्ट अगर उन्होंने दिया तो उस केस में जो आपने एडवांसेस दे रखे हैं उस पर आप इंश्योर करिए, आप इनकम जरूर लीजिएगा। सर एक चीज बताइए, मान लीजिए कि मुझे कोई मेरा रिलेटिव कुछ पैसे गिफ्ट के तौर पर देता है, वो मैं अपने इस्तेमाल में लाता हूँ, तो ये जो गिफ्ट में मुझे पैसा मिला है क्या इसको भी शो करना जरूरी है?
देखिए ऐसा है कि अगर वो रिलेटिव असेंडेंट एंड डिसेंडेंट हैं, अगर वो रिलेटिव की जो लिस्ट है उसमें अगर आप आते हैं तो जो रिसिपिएंट होता है उसके हाथ में कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन अगर आप रिलेटिव नहीं हैं और उसमें एक लिमिट डाल रखी है 50,000 की, उसके बाद की अगर आप रिसीव करते हैं तो आपकी वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, पहली बात। दूसरा, अगर आप रिलेटिव हैं तो उस केस में आपको आ रहा है बैंक अकाउंट में, कोई ऐसा फॉर्म में मेरे ख्याल से ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें आपको ये बताना पड़े गिफ्ट क्या है, और कल को कुछ भी आपको इनकम होती है तो वो जस्टिफाई जरूर करना पड़ेगा जिनसे आपको गिफ्ट मिला, और वो मनी जो भी आप रिसीव करें इट शुड बी थ्रू बैंकिंग चैनल, दैट इज़ नंबर वन। नंबर टू, वो ऐसी इनकम हो जो ऑलरेडी जिसने आपको गिफ्ट दिया है उनकी वो सोर्स एक्सप्लेन कर सकें कि भी उन, और वो अपनी रिटर्न्स में उस अमाउंट को, उस पैसे को डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें से या उस बैंक अकाउंट जो उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है और उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम अगर वो एक्सप्लेन कर सकें फिर वो दें गिफ्ट तो वो बहुत अच्छा रहेगा जी। एक लास्ट क्वेश्चन संजीव जी आपसे लेना चाहेंगे। अब जो सरकार है वो पूरी कोशिश में है क्योंकि आधार से आपने लिंक कर दिया है तमाम चीज़ों को, ऐसे में अब आपका बच पाना बहुत मुश्किल है, तो ये कह सकते हैं कि जो कोशिश सरकार की तरफ से है ये बहुत ही अच्छी कोशिश है। सरकार हर वो रास्ता अख्तियार कर रही है जिसमें कि अनअकाउंटेड मनी अकाउंटेड में आए, इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर में आए। अगर आप देखो डिमोनेटाइजेशन के पीछे भी आइडिया ऑब्जेक्टिव यही था कि जो ब्लैक मनी है, जो अनअकाउंटेड मनी है, वो अकाउंटेड मनी हो जाए। उसके बाद अब सरकार GST लेके आई है, GST में भी जो अनअकाउंटेड ट्रेड थी वो अकाउंटेड ट्रेड लाने का एक सिस्टम बनाया गया। GST भी वो सिस्टम है जिसमें कि अनअकाउंटेड काम करना बहुत ही मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। तो सरकार की जितनी भी नीतियां आ रही हैं वो सारी इसी लाइंस पे आ रही हैं, इसी ऑब्जेक्टिव पे आ रही हैं कि अनअकाउंटेड सेक्टर को खत्म किया जाए, इनफॉर्मल इकोनॉमी को खत्म किया जाए और फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी को लाया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया कृष्ण जी आपका और संजीव जी आपका स्टूडियो में आने के लिए और हमारे कॉलर्स के तमाम उलझनों को दूर करने के लिए, उनके सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आप जैसा कि कृष्ण जी कह रहे थे कि आप जितना जल्दी ITR फाइल करेंगे, अगर आप क्लेम कर रहे हैं तो क्लेम मिलने में भी आपको आसानी होगी और ITR भरना बहुत मुश्किल नहीं है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।